दोस्तों, किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है। ऊंचा उड़ने के लिए पंखों की ज़रूरत पक्षियों को होती है। इंसान तो जितना झुकता है उतना ही ऊपर उठ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेकिन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। किसी गांव में एक बूढ़ा इंसान अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार बहुत ही संपन्न था, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। वो बूढ़ा जो अपने ज़माने में एक नौजवान था, आज बुढ़ापे के कारण बिल्कुल लड़खड़ाने लगा था। चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी और चलने के लिए उन्हें लाठी की ज़रूरत पड़ गई थी। जैसे तैसे वो अपने दिन काट रहा था। लेकिन उस घर में एक बहुत अच्छी बात थी कि रात का खाना सब लोग टेबल पर एक साथ बैठ कर ही खाते थे। एक दिन इसी तरीके से सब लोग टेबल पर बैठे हुए थे। बेटा ऑफिस से लेट आया था, इसीलिए भूख ज़्यादा लगी थी तो जल्दी जल्दी खाने के लिए बैठ गया। साथ में बहू और उनका बेटा भी खाना खाने लगे। बूढ़े पिता ने जैसे ही थाली उठाई, थाली उनके हाथ से छिटक गई और थोड़ी सी दाल टेबल पर गिर गई। बेटा और बहू बड़ी ही घृणा भरी नज़रों से अपने पिता को देखने लगे और फिर से खाना खाने लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने कांपते हुए हाथों से खाना खाना शुरू किया, खाना कभी टेबल पर गिरता तो कभी उनकी शर्ट पर गिरता। ये देखकर बहू चिढ़ते हुए बोली कि हे राम, कितनी गंदगी से खाते हैं। मन तो करता है इन्हें घर के किसी कोने पर जाकर खाना दो। नन्ना पोता ये सब कुछ मासूमियत से सुन रहा था। अगले ही दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर घर के एक कोने में रख दी गई। पिता की डबडबाती आंखें ये सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाए। जब उन्होंने खाना शुरू किया तो खाना कभी उनकी शर्ट पर गिर रहा था, कभी नीचे गिर रहा था। उनका छोटा पोता बड़े मासूमियत से अपने दादाजी को निहार रहा था। तब उसकी माँ बोली कि बेटा, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो और दादाजी की तरफ क्या देख रहे हो? तो बेटा बड़ी मासूमियत से बोला कि माँ, मैं सीख रहा हूँ कि बूढ़े लोगों से किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आप लोगों को इसी तरीके से घर के कोने में ही खाना दिया करूँगा। ये सुनकर माता पिता दोनों ही कांप उठे और दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। बेटे ने जल्दी से अपने पिताजी को उठाया और वापस टेबल पर खाने के लिए बिठा दिया। बहू भी जल्दी से दौड़कर पानी का ग्लास ले आई ताकि पिताजी को कोई तकलीफ ना हो। तो दोस्तों, इस छोटी सी स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप इस दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी हैं। आप चाहे कितना भी धन कमा ले, कितनी भी इज्जत कमा ले, लेकिन माँ बाप से बड़ी पूंजी और कोई भी नहीं है। उनसे बड़ा धन और कोई भी नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।